हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी पिछले वीडियो में संधारित्र के समांतर पर संधारित्र की धाराएं निकाली थी। जब या तो उनके बीच में निर्वात या वायु है या उनके बीच में पूरा का पूरा पराविद्युतांक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ हो, कुछ जगह पर हो कुछ बाकी में हवा हो, तो इस तरह की स्थिति में उसका कितनी उसकी धारिता होगी। वीडियो को आप शेयर लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आइए मान लीजिए ये हमारा संधारित्र है और इस संधारित्र का कुछ भाग है, इतने भाग में पार विद्युत भरा हुआ है। संधारित्र की जो प्लेटों की बीच की दूरी है वो d है और यहाँ पर जो पार विद्युत है इसके बीच की जो चौड़ाई है ये d है, वो t है, इसके बीच की दूरी t है। इसलिए इसकी जो वायु की दूरी होगी वो हो जाएगी d माइनस t, ये इसके बीच की दूरी होगी। अब यहाँ पर पार विद्युतांक के अंदर की तीव्रता का मान दूसरा होगा, वायु में तीव्रता का मान दूसरा होगा, यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर हमको इन तीव्रताओं के आधार पर निकालना है। इसलिए वायु में तीव्रता मान लिया इसका, इसको हमने क्यों आवेश दिया है तो इसके ऊपर धन आवेश हो जाएगा और इसके ऊपर ऋण आवेश होगा, ये मान लिया अर्थ हुआ। यहाँ पर प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर आवेश बटा प्लेट क्षेत्रफल यानी क्यू अपान ए। वायु में या निर्वात में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता इसको हम यून मान लेते हैं, यह बराबर है सिग्मा अपान इप्सिलॉन जीरो, ये यही बराबर हो जाएगा, सिग्मा का मान रख दिया क्यू अपान ए इप्सिलॉन जीरो। और इसलिए वायु के जो डी माइनस टी इसकी दूरी है इसके बीच का विभवांतर, इसलिए वायु में विभवांतर विभवांतर बराबर होता है तीव्रता गुणे दूरी। तीव्रता है E1 और दूरी है, वायु की जो दूरी है या मोटाई है वो है d माइनस टी, यानी ये बराबर हुआ q अपान a इप्सिलॉन जीरो d माइनस टी। इसी प्रकार परावैद्युत माध्यम में परावैद्युतात माध्यम में विभवांतर
बी टू इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान ए इप्सिलॉन जीरो। अब यहाँ पर इप्सिलॉन जीरो के साथ के भी रहेगा जो इसका पराविद्युतांक है के, ये इसके तीव्रता के साथ ये भी नीचे इसके रहेगा क्योंकि तीव्रता पराविद्युतांक में घट जाती और इसकी मोटाई है टी, इसलिए संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर दोनों को जोड़ देंगे इसलिए संधारित्र की प्लेटों का विभवांतर वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू क्यू अपान ए इप्सिलॉन जीरो, क्यू अपान ए इप्सिलॉन जीरो तो दोनों में है, क्यू अपान ए इप्सिलॉन जीरो दोनों में है निकल आया, इसको हमने कॉमन ले लिया क्यू अपान ए इप्सिलॉन जीरो क्यू अपान ए इप्सिलॉन जीरो, तो यहाँ बचा आपका डी माइनस टी और यहाँ बचा टी अपान के, इसलिए धारिता, इसलिए संधारित्र की धारिता C बराबर दिया गया आवेश बटा विभवांतर, दिया गया आवेश है Q और विभवांतर इतना निकल चुका है तो यह हो गया Q अपान Q अपान A इप्सिलॉन जीरो D माइनस T टी अपान के, ये क्यू से क्यू कट जाएगा, ये इप्सिलॉन जीरो लटके ऊपर चला जाएगा और इसलिए धारिता सी बराबर ए इप्सिलॉन जीरो अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के, ये संधारित्र की धारिता है। ये अगर इस तरह का इसमें पारविद्युतांक भरा हुआ है तो इतना होगा डी माइनस टी प्लस टी अपान के, ये इप्सिलॉन जीरो अपान, मान लीजिए इसके अंदर बहुत सारे इस तरह के के वन के टू इस तरह बहुत सारे भरे हुए हों, अगर मान लिया हमारा संधारित्र है और इसके अंदर केवल एक ही नहीं है बहुत सारे माध्यम भरे गए हैं, तो यदि कई पराविद्युत माध्यम हों तो धारिता C बराबर A इप्सिलॉन जीरो अपान दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D माइनस, मान लिया कई पारविद्युतांक हैं जिनकी चौड़ाई टी वन टी टू इस तरह से है, टी वन टी टू टी थ्री इस तरह से होती चली जाएगी, प्लस टी वन अपान के वन टी टू अपान के टू इस तरह से होता चला जाएगा। इतनी धारिता हो जाएगी यदि बहुत सारे माध्यम इसके अंदर हो। ध्यान रखेंगे अगर ये कुचालक पदार्थ ना हो, चालक हो, कंडक्टर हो, तो चालक के अंदर तीव्रता जीरो रहती। अगर ये चालक होता
तो इसके अंदर की तीव्रता जीरो हो जाती है। जब इसके अंदर की तीव्रता जीरो होती तो केवल इतना ही संधारित्र का काम करता, डी माइनस टी मोटाई, डी माइनस टी दूरी प्लेटों के बीच की घट करके हो जाती ये, क्योंकि इसके अंदर तीव्रता जीरो रहती है। तो केवल इतना ही तब धारिता केवल इतनी ही रह जाती, ये एप्सिलॉन जीरो अपान डी माइनस टी, क्योंकि तब ये इतना जीरो हो जाता। अब ये तो हो गया हमें जब प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युत है। मान लीजिए हमारे संधारित्र है तो इसकी स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, संधारित्र की स्थिति ऊर्जा आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा बराबर होती है हाफ सी बी स्क्वायर। चूँकि ये संधारित्र भी आवेशित है, ये भी उसी तरह से है, इसलिए इसकी भी स्थिति ऊर्जा होगी हाफ सी बी स्क्वायर। आवेशित संधारित्र की स्थिति ऊर्जा ये बराबर हुई हाफ सी वी स्क्वायर, या ऊर्जा बराबर हाफ, और संधारित्र की जो धारिता है मान लिया उसकी प्लेटों के बीच के है, तो संधारित्र की धारिता बराबर हो जाएगी ए इप्साइलेन जीरो के अपान डी इंटू वी स्क्वायर। ये संधारित की प्लेटों के बीच संग्रहित ऊर्जा है, प्लेटों के बीच संग्रहित ऊर्जा, यह बराबर हुआ एक बटा दो, ये यहाँ है ए, इप्सिलॉन जीरो। संधारित की प्लेटों, ये संधारित की प्लेटें हैं और ये इनके बीच की दूरी है। यदि इसके प्लेट के बीच की दूरी और इसके क्षेत्रफल को गुणा कर दें तो उसका आयतन आ जाता है, आयतन, आयतन बराबर हुआ, इसलिए आयतन ये बराबर हुआ ए इंटू डी। तो हमने क्या किया कि डी से ऊपर नीचे इसमें गुणा कर दिया, तो ये आपका हो गया डी इप्सिलॉन जीरो के वी स्क्वायर अपान नीचे हुई हो गया डी स्क्वायर। एक डी से हमने ऊपर, एक डी से नीचे गुणा कर दिया, तो नीचे एक डी था, अब ये डी स्क्वायर हो गया। ए इंटू डी बराबर आयतन एक बटा दो, आयतन बी के इप्सिलॉन जीरो वी अपान डी बराबर इंटेंसिटी तीव्रता, वी अपान डी बराबर तीव्रता। तो
चूंकि v अपान डी इज्क्वल टू ई, इसलिए v स्क्वायर अपान डी स्क्वायर इज्क्वल टू ई स्क्वायर, तो इसकी जगह हो गया हमारा e स्क्वायर। तो ये आपका हो गया है k इप्साइलन e स्क्वायर, और a इंटू डी ये बराबर हो गया आयतन। इस पूरे आयतन में एकत्रित ऊर्जा है, और इसलिए संधारित्र के एकांक आयतन में संग्रहित ऊर्जा एकांक आयतन में संग्रहित ऊर्जा ये बराबर हो जाएगी, इसी को हम कहते हैं ऊर्जा घनत्व। एकांक आयतन में संग्रहित ऊर्जा को ही हम ऊर्जा घनत्व भी कहते हैं, ऊर्जा घनत्व। ये बराबर हो जाएगा, अब आयतन से इसको भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा एक बटा दो के इप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर। यही है ऊर्जा घनत्व, किसी संधारित्र का ऊर्जा घनत्व या उसके एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा। इसलिए ऊर्जा घनत्व या एकांक आयतन की स्थिति ऊर्जा ये बराबर है एक बटा दो के इप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर। यही है संधारित्र की स्थिति ऊर्जा, एकांक आयतन की स्थिति ऊर्जा है, यह इसकी संपूर्ण स्थिति ऊर्जा है, यह इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी यानी ऊर्जा। बस आज तो इतना ही, धन्यवाद।